गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्डेट क्लासिफिकेशन में रेप्टिलिया, एविस एवं मेमल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। सबसे पहले बात करते हैं हम रेप्टिलिया की। जो आपको याद रखनी है कि डिफरेंट ऑथर्स ने रेप्टिलिया का डिफरेंट प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया है, बट ये जो क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, एट प्रेजेंट हम जो क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो जनरली बेस है प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ फोसी इन द टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल। तो टेम्पोरल रीजन में जो क्षेत्र है फोसी है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने मेनली इसे तीन क्लासेस में विभाजित किया है। कई जगह पे आपको पेरोप्सीडा भी देखने को मिलेगा क्लास के रूप में, सब क्लास के रूप में। तो क्लास रेप्टिलिया की जो मेन तीन सब क्लास है वो है एनाप्सिडा, साइनाप्सिडा और डायप्सिडा। सबसे पहले सब क्लास हम एनाप्सिडा की बात करें तो एनाप्सिडा, एन मीन्स एब्सेंस। तो जो क्रैनियल रूफिंग है वो कंप्लीट है, यहाँ किसी भी तरह की फोसा प्रेजेंट नहीं है टेम्पोरल रीजन में, तो एनाप्सिडा। इसके अंदर जो एकमात्र एक्सटेंट यानी कि जीवित ऑर्डर है वो केलोनिया है। केलोनिया के अंदर आपके टर्टल्स एंड टॉर्टोइस आते हैं। तो टेम्पोरल रीजन जैसे कि हमने बताया, इसमें कंप्लीटली रूफ्ड है, कोई भी यहाँ पर फोसा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ हॉर्नी एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा एपिडर्मल प्लेट्स का, एक्सट्रीमिटीज नेक्ड हैं, लिम्स वीक होंगी, पेंटाडेक्टाइलस होंगे, ये जो लिम्स डेक्टाइल्स हैं वो फ्लिपर्स के रूप में या वेव्ड होंगी। ज्योमेटीथ एब्सेंट नहीं होंगे लेकिन हॉर्नी बीक मौजूद होगी। क्वाड्रेट बोन इमूवेबल है, नेजल ओपनिंग सिंगल होगी, कॉपुलेटरी सेक्स इनमें एब्सेंट होंगे। तो इसके अंदर किलोनिया के अंदर आते हैं टॉर्टोइस एंड टेस्टिडोस, कछुआ भी इसी में ही आता है। सेकंड जो मेजर इसमें आप सब क्लास देख रहे हैं वो है सिनेप्सिडा, साइन मीन्स पेयर। तो यहाँ पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसी आपको देखने को मिलेगी हर साइड में एक। याद रखिए ये सभी के सभी इसके अंदर आने वाले जो फॉर्म्स है वो एक्सटिंक्ट हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ इसलिए दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेमल्स है उसका ओरिजिन बेसिकली साइनेप्सिड रेप्टाइल से ही हुआ है, इसलिए हमने इसकी बात की। जो एक्सटिंक्ट दूसरी सब क्लास है दैट इज डायप्सिडा। तो यहाँ पर भी टू टेम्पोरल फोसे होंगे हर साइड में स्कल की, एक सुपीरियर टेम्पोरल फोसा होगा और एक इंफीरियर टेम्पोरल फोसा होगा। तो इसके अंदर क्रोकोडाइल, डायनासोर्स, टेरोसोर्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। इस सब क्लास को दो सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, लेपिडोसोरिया मीन्स लाइक लिजार्ड्स एंड आर्कोसोरिया लाइक डायनासोर्स। तो यहाँ जो लेपिडोसोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ के पेराइटल फोरामिन मौजूद होगा और इंटरपेराइटल बोन है, पैलेट इनकी मूवेबल होगी और आर्टिकुलेट करेगी ब्रेन केस के साथ। इसमें ऑर्डर जो है जो एक्सटेंट ऑर्डर से हम उन्हीं की बात करें तो एक्सटेंट ऑर्डर है इसमें रिंकोसिफेलिया, इसके अंदर स्फिनोडोन आता है। इनका क्वाड्रेट बोन जो है इमूवेबल है, याद रखिएगा यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन क्वाड्रेट बोन के आधार पर कर रहे हैं। क्वाड्रेट बोन इमूवेबल है, मैंडिबल लिगामेंट के जरिए ज्वाइंट होते हैं, एम्फिसलस वर्टिब्री मौजूद होती है, सिंगल हेडेड रिब्स मौजूद होते हैं, टीथ एक्रोडोंट मौजूद होते हैं।
दूसरा ऑर्डर है स्क्वामेटा, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। यह ऑर्डर दो सब ऑर्डर में बटा हुआ है, जो लेसर टीलिया, लिजार्ड्स एंड ओफिडिया स्नेक्स। तो अगर हम स्क्वामेटा की बात करें तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्वाड्रेट बोन मूवेबल होती है, प्रोसीलस वर्टिब्री होती है, सिंगल हेडेड रिब्स हैं, टीथ प्लूरोडोंट या एक्रोडोंट प्रकार के होंगे, ठीक है याद रखिएगा। लेसर टीलिया में लिजार्ड्स आती हैं और ओफिडिया में स्नेक्स आते हैं। दूसरा जो सुपर ऑर्डर है यहाँ आर्कोसोरिया डायनोप्सिड का, आर्कोसोरिया के अंदर हम बात करें तो पेलेट इडेंटोटिलस होती है, इसी के अलावा टीथ जो होंगे टीकोडोंट होंगे या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, ऑर्बिट के सामने की तरफ एंट ऑर्बिटल फोसा भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इंटरपेराइटल बोन और पेराइटल फोरामिन मौजूद नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एकमात्र एक्सटेंट ऑर्डर है दैट इज क्रोकोडिलिया, इसमें क्रोकोडाइल्स शामिल होते हैं, एलिगेटर शामिल होते हैं और उनके जैसे अन्य प्राणी शामिल होंगे। इनकी जो बॉडी सरफेस है वो स्कल्पचर्ड बोन सूचर स्क्यूट्स के जरिए प्रोटेक्टेड रहती है, एपिडर्मल स्केल्स भी मौजूद होते हैं, अपर टेम्पोरल फेनिस्ट्रा स्मॉल होगा या एक्सट्रीमली क्लोज होगा, फ्रंटल और पैराइटल्स इसके अंदर फ्यूज देखने को मिलते हैं हमें, फोर लिम्स शॉर्ट होती हैं, वेब्ड होती हैं, स्टर्नम और एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होती हैं, क्वाड्रेट बोन इमूवेबल है, क्वाड्रेट बोन केवल स्क्वामेट्स के अंदर मूवेबल होती है, बाकी में इमूवेबल होती है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो दो स्केली फ्लैप्स के जरिए प्रोटेक्टेड रहती है। तो क्रोकोडाइलिया के अंदर एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह आते हैं। तो ये हमने एक्सटेंट जो क्लास ऑर्डर्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम बढ़ते हैं एवीज की तरफ। एवीज में बर्ड्स आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले भी रेप्टाइल में कि एवीज जो हैं एक्चुअली ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम एवीज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ सब क्लासेस के अंदर इसको शुरुआती तौर पर बांटा गया है, जिनमें आर्कियोनिथिस भी शामिल है, जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स आता है, वो एक्सटिंक्ट है, हमें उसको यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे। दूसरी जो सब क्लास है वो नियोर्निथिस है, जिसके अंदर सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथाई, सुपर ऑर्डर इक्थियोर्निथिफॉर्मिस वगैरह, ये एक्सटिंक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं पेलियोग्नेथाई। प्लेनियोग्नेथाई एक सुपर ऑर्डर है, इस पेलियोग्नेथाई को हम रेटिटी भी कहते हैं, RATITAE रेटिटी। तो इस सुपर ऑर्डर के अंदर लार्ज साइज के बर्ड्स हैं, जनरली इनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती लेकिन अच्छे से रन कर सकते हैं, स्टर्नम कील्ड नहीं होता, राफ्ट लाइक होता है, विंग्स रिड्यूस्ड होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं या एब्सेंट होते हैं, पाइगो स्टाइल स्मॉल या अंडर डेवलप्ड होता है, करकोइड और स्केपुला स्मॉल होते हैं। यहाँ पर आपको सिक्स ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, जहां हमने अभी यहाँ पांच लिखे हैं क्योंकि एक एक्सटिंक्ट है। पहला ऑर्डर स्ट्रुथियोर्निथिफॉर्मिस, यहाँ पर टू ऑस्ट्रिच इंक्लूड किए जाते हैं, पाइगो स्टाइल इसमें एब्सेंट होता है, स्टर्नम विदाउट कील होता है, फीदर डिवाइड ऑफ आफ्टर शाफ्ट, लंबी नेक होगी इसमें, बॉडी पे फीदर्स कम होंगे, इसमें आएगा ऑस्ट्रिच। सेकंड है कैजुरी फॉर्मिस, स्टर्नम कील्ड नहीं है इसमें भी, फीदर्स में बट आफ्टर शाफ्ट मौजूद होती है, नेक शॉर्ट है, नेक पे और बॉडी पे फेदर्स काफी ज्यादा में होंगे, जो हाइंड लिम है उसमें थ्री टॉयज मौजूद होंगी,
ऑस्ट्रिच में टू होती हैं, इसमें कैसोवरी आता है और ईमू आता है। ठीक है, थर्ड हम चलते हैं एप्टेरिजी फॉर्मिस, स्टर्नम शॉर्ट और कील्ड नहीं है, जैसे कि नाम से ही जा रहे हैं एप्टेरिजी मींस जिसमें विंग्स नहीं हो, तो विंग्स यहाँ वेस्टिजियल हैं, हिडन है, नॉन फंक्शनल है। हाइंड लिम में फोर टॉयज मौजूद होते हैं, बिल लॉन्ग होगी और टिप पर नॉस्ट्रिल्स होंगे, तो इसके अंदर आता है कीवी। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है रिफॉर्मिस। रिफॉर्मिस की हम बात करें तो जाहिर तौर पर स्टर्नम विदाउट कील होगा, विंग्स लार्ज हैं बट नॉन फंक्शनल है, हैंड लिम थ्री क्लॉड डिजिट्स इसमें मिलेंगी, फीदर्स विदाउट आफ्टर चार्ट है और इसमें अमेरिकन ऑस्ट्रिच एरिया इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है टिनामी फॉर्मिस। इसके अंदर उड़ने की क्षमता कुछ हद तक होती है बट ये रनर है मेनली, स्टर्नम कील्ड होता है, पैगो स्टाइल रिड्यूस्ड है, विंग अच्छे से डेवलप होंगे, इसमें पर्चिंग मैकेनिज्म नहीं पाया जाता, इसमें टिनेमस इसके अंदर आता है। इसके बाद जो सुपर ऑर्डर है दैट इज नियोगनेथाई। तो नियोगनेथाई सुपर ऑर्डर में कुल मिलाकर 22 ऑर्डर्स हैं। इसमें सारी मॉडर्न और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्ड्स आती हैं, टूथलेस बीक मेजिंग मौजूद होगी, इन सभी में फ्लाइट की कैपेसिटी है, पावर टू फ्लाइट है और वेल डेवलप्ड विंग होंगे, स्टर्नम कील्ड होता है, फेदर्स में बार बारब्यूल्स हुकलेट्स वगैरह मौजूद होंगी, पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होगा। तो इसमें कुछ हम ऑर्डर्स के बारे में बात करें कि किसमें क्या आता है, तो स्वान गीज वगैरह जो ये बर्ड्स हैं वो एंसरी फॉर्मिस में आते हैं, एंसर जिसको हम गीज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर जो इम्पोर्टेंट है हेरोन केकोनिफॉर्मिस के अंदर आते हैं, कैप्री मुलगी फॉर्मिस में गोट सकर्स आते हैं, ये नॉक्ट्यूरनल और आउल लाइक बर्ड्स हैं। इसके अलावा कुकीली फॉर्मीज में कुकू, कोलंबी फॉर्मीज में आपका पिजन आएगा, फॉल्कनी फॉर्मीज में फाल्कन आएगा, कैलिफॉर्मीज में फाउल, पेवो भी आएगा, पिकॉक इसके अंदर आएगा, ग्री फॉर्मीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो उड़ान की क्षमता होती है थोड़ी कमजोर होती है, फिशेज और मॉलस्क के ऊपर ये फीड करते हैं, इसमें बर्ड्स टर्ड्स क्रैंस वगैरह आते हैं। इसमें पैसरी फॉर्मिस इसके अंदर हाउस क्रो शामिल है, पिसी फॉर्मिस इसमें वुड पेकर आएगा, सिटेसी फॉर्मिस इसमें सिटेलकुला यानी कि पैरट शामिल है, माइक्रोपोडी फॉर्मिस में स्विफ्ट बर्ड्स आते हैं, माइक्रोपोडस यानी कि इंडियन स्विफ्ट इसके अंदर आएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेमल के क्लासिफिकेशन की, तो मेमल्स को 3 सब क्लासेस में बांटा गया है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। आपके सिलेबस में एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मेमल का क्लासिफिकेशन केवल सब क्लास तक दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम ऑर्डर्स की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो प्रोटोथेरिया में केवल एक ऑर्डर है जिसका नाम है मोनोट्रीमेटा। तो प्रोटोथेरिया के अंदर प्रिमिटिव एग लेइंग मेमल्स आते हैं, इनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बट इसमें टीट्स मौजूद नहीं होते, इम्परफेक्टली वार्म ब्लडेड ये एनिमल है, पिन्ना इनमें एबसेंट होता है, कॉकलिया
लेस कॉइल्ड होता है, क्लोइका प्रेजेंट होता है इम्पोर्टेंट, लार्ज एग्स देते हैं जो कि शेल्ड एग्स होते हैं, प्लासेंटा इनके अंदर फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ मोनोट्रेमेटा ऑर्डर के अंदर केवल दो लिविंग जेनेरा यहाँ पे मौजूद है, एक तो इकेडना और दूसरा ऑर्निथोरिंकस डकबिल प्लेटिपस एंड इकेडना यानी के स्पाइनी एंटीटर, और ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दूसरा जो सब क्लास है दैट इज मेटाथीरिया, इसमें भी एक ही ऑर्डर है मार्सुपियलिया। अगर हम इसकी बात करें तो प्रिमिटिव मेमल्स हैं, यंग वंस जो हैं प्रीमैच्योर कंडीशन में पैदा होते हैं और इनको एब्डोमिनल पाउच में रखना पड़ता है, जिसको मार्सुपियम कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स में टीथ्स मौजूद होंगे और जो कि मार्सुपियम में ओपन होती हैं। परफेक्टली वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, कॉर्पस कैलोसम इनमें एबसेंट होता है, एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, पिन्ना प्रेजेंट होता है, कॉक्लिया मच कॉइल्ड होते हैं इसमें, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। टू एलेंटोइक प्लेसेंटा इसमें एब्सेंट होती है। इसके अंदर जो ऑर्डर है मार्सुपियलिया उसमें ओपोसम कंगारू आदि इसमें आते हैं। थर्ड जो सब क्लास है वो है यूथीरिया। यूथीरिया में टोटल 16 ऑर्डर हैं। मेमोरी ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड हैं, परफेक्टली वार्म ब्लडेड है, कॉर्पस कैलोसम वेल डेवलप्ड होगा इनके अंदर, एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट प्रेजेंट है, प्री प्यूबिक बोन एब्सेंट होती है, क्लोइका एब्सेंट होता है इनके अंदर, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्नोमिनल है और स्क्रोटम में होते हैं, वेजिना सिंगल होता है, याद रखिए वेजिना डबल होता है मार्सुपियल्स में, एक्स स्मॉल और योगलेस होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ 16 ऑर्डर, फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरा, इसके अंदर टाल्पा सोरेक्स आगे आते हैं, हेजोग इसके अंदर आता है, डर्माप्टेरा इसके अंदर, फ्लाइंग लेमूर आते हैं, काइरोप्टेरा इसके अंदर, अपने जो बैट्स हैं वो इस ऑर्डर में आते हैं। इडेंटेटा ऑर्डर के अंदर एंटीटर अर्माडिलो वगैरह आते हैं, फॉलीडोटा में स्केली एंटीटर या मेनिस पेंगोलिन शामिल है, पेरिसिडेक्टाइला हॉर्स ग्रुप शामिल है, हॉर्स जेब्रा टैपे राइनोसेरोस वगैरह, आर्टियोडेक्टाइला इम्पोर्टेंट है इसमें, कैमल कैटल्स पिग हिप्पोपोटामस शिप ये आते हैं। इसके अलावा रोडेंशिया में अगर आप बात करें तो माउस रैट स्क्वायरल, लेगोमोर्फा में रैबिट्स, प्रोबोशिया में एलिफेंट, ट्यूबुलिडेंटिया में आर्डवर्क, सिटेशिया इम्पोर्टेंट है इसके अंदर आएंगे वेल डॉल्फिन पॉर्क्यूपाइन पॉर्पोइस पॉर्क्यूपाइन सॉरी साइरेनिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें मेंटी डुडोंग कार्निवोरा लार्ज ऑर्डर है, इसमें कैट डॉग लायन टाइगर बियर वॉल्फ हाइना फॉक्स सील ये सब आते हैं, और प्राइमेटा जिसमें हम भी शामिल हैं मंकी लेमूर चिंपांजी एप्स भी हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटलाइन क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।